गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं मनिंदर पाल कौर और आज हम पढ़ेंगे नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमीनामा। नज़ीर अकबराबादी का जन्म आगरा शहर में सन 1735 में हुआ। इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। नज़ीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ उठाते थे। वे राह चलते नज़में कहने के लिए मशहूर थे। वे दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। उनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती जीती जागती चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती है। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया। उनकी कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं। प्रस्तुत नज्म आदमीनामा में नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत भी दिए हैं। देखिए नज़्म, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। बादशाह होता है राजा, मुफलिस होता है निर्धन, गदा होता है भिखारी, जरदार होता है दौलतमंद। तो यहाँ कवि कहता है कि दुनिया में तरह तरह के आदमी होते हैं। दुनिया में चाहे कोई बादशाह है चाहे कोई साधारण इंसान, वह आदमी ही है। अलग अलग आदमी की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कवि कहता है कि कोई धनी है चाहे कोई निर्धन हो, दोनों आदमी ही हैं। हर आदमी की अपनी अलग जीवन शैली होती है। यदि कोई मालदार या दौलतमंद भी है, वह आदमी ही है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग आदमी अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग व्यवहार करते हैं और उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। कवि यह भी स्पष्ट करता है कि कोई स्वादिष्ट भोजन खा रहा है तो वो भी आदमी है, अगर कोई सूखे टुकड़ों पर पल रहा है तो वह भी आदमी ही है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है, या मियां बनते हैं आदमी ही, इमाम और खुतबाखवां पढ़ते हैं आदमी ही, कुरान और नमाजियां और आदमी ही, उनकी चुराते हैं जूतियां जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। यहाँ इमाम है नमाज पढ़ने वाले, खुतबाखवां होते हैं कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले, ताड़ना होता है भांप लेना। तो यहाँ कवि आदमी को आईना दिखाते हुए कहता है कि जिसने मस्जिद बनाई है वह भी आदमी है, नमाज और कुरान को बनाने वाले भी आदमी हैं, और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने और पढ़वाने वाले भी आदमी ही हैं। मस्जिद के बाहर से जूते चुराने वाले भी आदमी हैं और उन जूते चुराने वाले आदमियों पर नज़र रखने वाले भी आदमी हैं। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि पाप करने वाला भी आदमी है और उसे पाप करने से रोकने वाला भी आदमी ही है। आगे देखिए, यह आदमी पै जान को बारे है आदमी, और आदमी पै तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। यहाँ कवि कहता है कि जान मारने का अर्थ है नशावर करना, पगड़ी होते किसी की इज्जत बेइज्जत करनी और अपमान करना, पगड़ी उतारना का भाव यह है। यहाँ कवि कहता है कि किसी की जान बचाने वाला भी आदमी है और किसी की जान लेने वाला भी आदमी है। यहाँ देखिए, आदमी पे जान को वारे है आदमी। अगर किसी आदमी को मुसीबत पड़ती है तो उसको बचाने के लिए अपनी जान तक वारने के लिए तैयार हो जाता है, वो भी आदमी है। और किसी आदमी की जान ले लेता है, उसको मार डालता है, तो वो भी आदमी है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। किसी की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला भी आदमी होता है, और मुसीबत में किसी से मदद मांगने वाला भी आदमी ही होता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आदमी किसी को मुसीबत में डालने वाला है तो उस मुसीबत में पड़े हुए आदमी को बचाने वाला भी कोई आदमी ही होता है। आगे देखिए, अशराफ और कमीने से ले शाहजहां वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। यहाँ कवि कहता है कि अशराफ का अर्थ होता है शरीफ, शरीफ का बहुवचन है अशराफ। कमीने से ले शाहजहां वजीर, शाह होता है सम्राट, वजीर होता है मंत्री, कारे काम दिल पजीर जो दिल को पसंद हो, मुरीद शिष्य पीर संत, नज़ीर यहाँ कवि का नाम है, एक मिसाल कह सकते हैं उसको, इसका अर्थ मिसाल भी हो सकता है। तो कवि इसमें आदमी की सच्चाई का आईना दिखाते हुए आदमी को कहता है कि शरीफ से लेकर कमीने तक सभी आदमी हैं, राजा से लेकर मंत्री तक भी सभी आदमी ही हैं। कवि कहता है कि वह आदमी ही है जो किसी दूसरे आदमी के दिल को खुश करने वाले काम करता है।
वह आदमी ही है जो संसार में संत की भूमिका निभाता है और वह आदमी ही होता है जो उस संत का शिष्य होता है, भक्त होता है। कभी यह भी कहता है कि आदमी अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी आदमी बन जाता है। इस तरह इस नज्म में कवि ने इंसान की अच्छाइयों, बुराइयों और सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस नज्म में नज़ीर ने आदमी की हकीकत को पेश किया है और उन्होंने इस नज़म के ज़रिए संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत दिए हैं। आइए इनके प्रश्न देखते हैं। पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है? तो इसमें क्या कहता है कवि, पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के कई रूप हैं। आदमी बादशाह भी है, प्रजा भी है, आदमी ही है। यदि आदमी अमीर है तो गरीब भी आदमी ही है। रईस अगर आदमी है तो भिखारी भी आदमी ही है। चारों छंदों में कवि ने आदमी के सारा सकारात्मक नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में देखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। चारों छंदों में कवि के अनुसार अच्छे लोग, बुरे लोग, अमीर, गरीब, दूसरों की भलाई करने वाले, बुराई करने वाले, धर्मात्मा और पापी आदमी होते हैं। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक छवि को पेश किया है। आदमी नामक शीर्षक कविता के इन अंशों में को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है? आदमी नामक शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर मन में मनुष्य के प्रति हमारी धारणा कई तरह की बनती है। मनुष्य कई तरह के होते हैं, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई आलिशाल महलों में रहता है तो कोई उस महल को बनाने वाला मजदूर किसी झोपड़ी में रहता है, कोई धर्मात्मा तो कोई पापी होता है। इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? कविता का वह भाग सबसे अच्छा लगा जिसमें मस्जिद बनाने वाले मौलवी, नमाज पढ़ने और वाले और मस्जिद के बाहर से जूते चुराने वाले का जिक्र हुआ है। उसके अलावा इस पर कवि ने जबरदस्त कटाक्ष किया है। कवि के अनुसार भगवान को मानने वाला भी एक आदमी होता है और उस भगवान के घर के बाहर जूते चुराने वाला भी आदमी है। भाव है कि पाप करने वाला और पाप करने वाला भी आदमी होता है और उसको रोकने वाला भी, पुण्य करने वाला भी आदमी ही होता है। उम्मीद है कि आपको ये कविता नज्म समझ आ गई होगी। इसके प्रश्नों को अपनी कॉपी पर करें।